हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भारतीय सेना झांसी में जो फायरमैन के पोस्ट हैं उनके फॉर्म जो ऑफलाइन शुरू हो गए हैं, तो उसकी फुल डिटेल। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में ताकि आपको फुल डिटेल मिल सके। तो फायरमैन की जो पोस्ट हैं उसके फॉर्म ऑफलाइन शुरू हो गए हैं भारतीय सेना की जो झांसी की प्लाटून है वहाँ पर फायरमैन की जो पोस्ट हैं 10th बेस पे केवल पुरुषों के लिए ये फार्म ऑफलाइन शुरू हुए हैं। इसकी कोई फीस नहीं है, मात्र 20 रुपये पे करके आप फार्म मंगवा सकते हैं और फार्म को भर के इनके एड्रेस पे, जो कि झांसी का एड्रेस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिफाफे के ऊपर आपको एड्रेस लिखना है और ये बाय पोस्ट आपको सेंड करना है उनके एड्रेस पे। तो इसके साथ जो डॉक्यूमेंट होंगे वो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। आपकी जितनी भी क्वालिफिकेशन है, आईडी प्रूफ है, एक समय पता लिखा जिसके ऊपर 24 रुपये की डाक लगेगी, डाक की टिकट जो होती है वो लगेगी, और अपना रेजिडेंस सर्टिफिकेट हो गया, और अगर कोई आप में भूतपूर्व सैनिक या अनुभव है तो वो लगा सकते हैं। बाकी कुछ ये डॉक्यूमेंट्स और हैं, अगर आपके पास है तो आप ये साथ में लगा कर भेज सकते हैं। और जो बाहर वाला पोस्टर होगा वहाँ पर आप एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फायरमैन ये ज़रूर लिखें और बाकी कुछ इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हैं। और अगर ये फॉर्म आप हमारे से मंगवाना चाहते हैं व्हाट्सएप पे, तो हमारे इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 20 रुपये में फॉर्म की जो पीडीएफ है आपके नंबर पे हम भेज देते हैं। मदर फोटो स्टेट और कंबोज फोटो स्टेट की तरफ से ये सर्विस चल रही है। 9992909905 पे ये वाला जो फॉर्म है हम आपको 20 रुपये में सेंड कर देते हैं आपके व्हाट्सएप पे। तो आप यहाँ से प्रिंट आउट लेकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो फॉर्म किस तरह से भरा जाएगा वो है, नेम ऑफ द पोस्ट फायरमैन आ जाएगा, उसके बाद नेम आपका हो गया बड़े लेटर्स में आपको लिखना है कैपिटल लेटर्स में, और फादर नेम हो गया, नेशनलिटी इंडियन आ गया, उसके बाद आपकी कैटेगरी जनरल एससी बीसी या ओबीसी जो भी आप यहाँ पर कैटेगरी टाइप कर देंगे, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपकी होगी, और आपकी एज जो है वो लास्ट डेट तक कितनी बनती है वो यहाँ पर आप लिखेंगे, और एडवर्टाइजमेंट नंबर जो ऊपर मैंने दिखाया आपको शुरुआत में है एडवर्टाइजमेंट नंबर वो यहाँ पर लिख देंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन वगैरह हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे, अगर आप हैंडीकैप्ट हैं उसका भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है, वो कहाँ से पास करी आपने, और यहाँ पर अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको इस कॉलम में लिखना है, और साथ ही परमानेंट एड्रेस में भी वही सेम, अगर आपका एड्रेस है तो आप डू कर सकते हैं। और अगर आपका कोई एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम दर्ज है, उसका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास है, तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है 10th+2, जो भी आप डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे नंबर वाइज आप यहाँ पर लिख देंगे इस कॉलम में, और फिर ये डिक्लेरेशन में आप अपना नाम और फिर फादर का नाम लिखेंगे, और प्लेस में अपना जो भी आपका सिटी या डिस्ट्रिक्ट आपका है वो प्लेस में लिखेंगे, और डेट लिखेंगे जिस दिन भी आप फॉर्म भर रहे हैं, और यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट कर देंगे, और इनक्लोजमेंट कार्ड जो है ये भी आपको भरना है। यहाँ पर नेम लिखेंगे, फादर नेम लिखेंगे और एड्रेस लिख देंगे अपना, और इसके बाद जो ये फोर्थ कॉलम है ये आपको नहीं लिखना है, ना ही आपको नीचे ये साइन करने हैं। यहाँ पर आप फ़ोटो ज़रूर चिपका दीजिए अपनी, यहाँ पर एक ऊपर साइड लगेगी फ़ोटो और एक नीचे की साइड, तो दो फोटोज़ आपकी यहाँ पर लगेंगी। तो ये थी इसकी फुल डिटेल। अगर आप ये फॉर्म अपने व्हाट्सएप पे मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 10th बेस पे ये फॉर्म है। आपकी हाइट जो है वो 5 फुट 6 इंच होनी चाहिए, और छाती जो है वो 81.5 यानी कि 81.5 से 85 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए, और आपका जो वज़न है वो 50 किलो से ऊपर होना चाहिए। तो कैसे लगे आपको ये फॉर्म की वीडियो? अगर आप ऐसी वीडियो और प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले नई वीडियोस आपको मिल सकें। थैंक यू दोस्तों।